तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर नए वीडियो के साथ मिस्टर मीना टॉक आपके साथ उपस्थित है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, महाराणा लाखा तक की अपन ने पूरी हिस्ट्री पढ़ ली थी कि भाई इसका पुत्र कुंवर चोड़ा था, एक बार फिर इसका कैसे हंसाबाई के साथ विवाह हुआ। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन दबा करके, आई बटन पे वो आ रहा होगा, तो आप प्लीज उस पर जा करके वीडियो देख लें। और आज की जो चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो लाखा के बाद में आप, जैसा कि मैंने बताया था कल कि भाई इसका विवाह, जो लाखा का पुत्र तो कुंवर चूड़ा था, लेकिन फिर इसका विवाह लाखा का अंसाबाई के साथ हुआ, जो जोधपुर की राठौड़ों की जो रणमल की बहन थी। अब इसके विवाह उस शर्त पे होता कि इससे होने वाली जो औलाद होगी या उसका जो वंश होगा वो ही मेवाड़ का राजा होगा। और उसकी घोषणा के अनुसार यही हुआ कि हंसाबाई का पुत्र मोकल आगे शासक बनेगा। तो महाराणा ये मोकल, और ये 1421 से 1433 तक इसका शासन था, ईस्वी तक इसका शासन रहा। और इसका जो पिता था वो आपको सबको पता है, इसका पिता जो लाखा था, और इसकी जो माँ थी वो हंसाबाई थी। इसकी माता हंसाबाई जो जोधपुर के राठौड़ रणमल की बहन थी। तो महाराणा मोकल, जब महाराणा लाखा की मृत्यु हुई थी तब ये बहुत अल्पवयस्क था, मतलब लगभग 1421 में, यानी कि ये जब 12 वर्ष की उम्र थी इसकी, महाराणा मोकल की। तो इसके संरक्षक के रूप में, मतलब वैसे तो वो जो कुंवर चूड़ा था वो कर रहा था, लेकिन जो इसका जो संरक्षक का जो काम किया वो किया था कुंवर चूड़ा ने। कुंवर चूड़ा चूड़ा जो आपको बताइए, इसे राजस्थान का भीष्म पितामह या मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा था, क्योंकि इसने आजीवन कहा था कि भाई मैं जो है अब उसके पिता की प्रतिज्ञा पे रहा कि मैं राज्य का कभी भी हमारा हक नहीं मांगूंगा, और मैं जो है मोकल की सुरक्षा करूंगा। तो ये संरक्षक का काम कर रहा था, लेकिन बाद में हंसाबाई को, यानी इसकी माँ को, सौतेली माँ को या महाराणा मोकल की माँ को इस पे संदेह हुआ। और संदेह होने के बाद में जब कुंवर चूड़ा को ऐसा लगने लगा कि अपने बारे में कुछ गलत सोचा जा रहा है, तो ये जो है मेवाड़ छोड़ करके ये मांडू चला गया, मेवाड़ छोड़ करके और ये चला जाता है मांडू। और मांडू में वहां पर इसे सम्मान रख लिया जाता है, इसने जो बाकी जिंदगी मांडू में गुजारता है। इसके बाद ये हंसाबाई ने जो है जोधपुर से इसके भाई को रणमल को बुला लेती है। रणमल आता है और ये जो इसके संरक्षक के रूप में काम करता है, क्योंकि वो भी अल्पवयस्क था, राजा राजकार्य करने में असमर्थ था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि ये इसने, मतलब कई रणमल के सहयोग से इसने, महाराणा मोकल ने कई इसके जो विरोधियों को परास्त किया, इसके जो भी विरोधी थे उन सभी को परास्त किया। और आगे चल करके कालांतर में रणमल का जो मेवाड़ की राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ गया, इसका ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ा, राजनीति का हस्तक्षेप बढ़ा। तो ये जो चीज थी, जो मेवाड़ के जो सरदार थे वो मेवाड़ के सरदारों को जो है वो सही नहीं लगा, और मेवाड़ के सरदारों ने इसका क्या करा, इस रणमल की जो है हत्या कर दी 1428 में। 1428 में इसकी हत्या कर दी और रणमल मर जाता है। इसके बाद महाराणा मोगल स्वतंत्र रूप से जो है शासक बन जाता है। इसके बाद महाराणा मोगल ने कई युद्ध लड़े, उनमें से एक प्रमुख प्रमुख बता देता हूं, एक वो था भीलवाड़ा का युद्ध, भीलवाड़ा का युद्ध, रामपुरा भीलवाड़ा का युद्ध। तो यहां पर बता देते हैं हमको, इसके एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आपको ताकि जल्दी से मिले। देखो, महाराणा मोगल का पिता महाराणा लाखा था, और जो हमने जैसा बताया इसका बाप का नाम महाराणा लख सिंह या लाखा था, और माता का नाम हंसाबाई था। इसका राज्य समय 1421 से 1421 33 तक था, ये जब इसका लाखा मरा था, लाखा की मृत्यु हुई तभी ये 12 वर्ष का था, इस वजह से संरक्षक का काम कुंवर चूड़ा कर रहा था जो लाखा का पुत्र था। इसके बाद इस पर जो इसकी माता हंसाबाई कुंवर चूड़ा पे संदेह करने लग जाती है, जब इसको इस चीज का आभास होता है तो मेवाड़ छोड़ के मांडू के दरबार में चला जाता है, और वहां पर ये आजीवन रहने लगता है। इसके बाद जो हंसाबाई जो है रणमल को मेवाड़ से, मारवाड़ से बुला लेती है अपने पास, और ये जो रणमल मोकल की सहायता करता है,
और एक सेना का गठन कर लेता है और इसके सहयोग से मतलब अपने विरोधियों को परास्त करता है। लेकिन फिर बाद में 1428 ईस्वी में जो है मेवाड़ के सरदारों द्वारा जब इसके रणमल का मेवाड़ की राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ा तो इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद महाराणा मोक्कर ने एक युद्ध जीता रामपुरा भीलवाड़ा गए 1428। तो 1428 में रामपुरा भीलवाड़ा का युद्ध, रामपुरा ये पड़ता है भीलवाड़ा, ये युद्ध हुआ ये मोकल और नागौर के, फिरोज खां, मोकल वीएस नागौर के, फिरोज खां के बीच हुआ। और इस युद्ध में फिरोज खां को परास्त कर दिया गया और महाराणा मोकल विजय हो गया। ये विजय हुआ 1428 में और नागौर तक का एरिया जो महाराणा मोकल के राज्य में सम्मिलित हुआ। तो रामपुरा भीलवाड़ा का युद्ध हुआ 1428 में, जो महाराणा मोकल के द्वारा नागौर के फिरोज खां को पराजित कर दिया गया और महाराणा मोकल विजय हुआ। महाराणा मोकल के बारे में और बता देते हैं कि देखो इसके दरबार में बहुत सारे कवि रहते थे, ये मना, ये फना विसल, माना फना विसल, योगेश्वर और भट्ट विष्णु, और भट्ट विष्णु ये महाराणा मोकल के दरबारी विद्वान है, ये दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान है महाराणा मोकल के दरबार में मना फना बिसल योगेश्वर और भट्ट विष्णु नामक जो दरबारी विद्वान है, क्वेश्चन भी आ सकता है, पहले भी कई बार पूछ चुका है। और महाराणा मोकल ने इसका क्या निर्माण कार्य करा, तो इसने जो चित्तौड़ में एक विष्णु मंदिर का निर्माण करा था, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया और ये है चित्तौड़ में। तो ये काम महाराणा मोकल के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा इसने जो चित्तौड़ में एक परमार शासकों द्वारा बनाया हुआ तिरुभुवन नारायण मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कराया, इस वजह से उस मंदिर का वर्तमान में नाम जो मोकल मंदिर या समधीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैं यहाँ पर बता देता हूँ, तिरुभुवन नारायण मंदिर मंदिर ये चित्तौड़ में इसका जीर्णोद्धार करवाया था इसने, जीर्णोद्धार करवाया और तब जीर्णोद्धार करवाने के बाद में इसका नाम मोकल मंदिर या समिद्वेश्वर, समी समिद्वेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो महाराणा मोकल के द्वारा कार्य किए गए ये थे, एक तो इसके दरबारी जो विद्वान थे, ये नाम पढ़ लेना, ये पूछ सकता है कभी भी अपन से कि इसके दरबार में जो है मना फना विसल योगेश्वर भट्ट विष्णु नामक दरबारी कवि रहते थे और दरबारी विद्वान थे, और इसने जो है चित्तौड़ में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अतिरिक्त इसने जो भोज परमार शासकों के द्वारा ये जो मंदिर था, तो भोज भोज के द्वारा, राजा भोज के द्वारा बनाया गया था और ये परमार शासक था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा देंगे हम इंडियन हिस्ट्री में कि परमार वंश का जो शासक था भोज, जिसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर का निर्माण करवाया था, तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था महाराणा मोकल के द्वारा और उसके बाद इसका नाम पड़ा मोकल मंदिर या समिद्वेश्वर मंदिर। इसके बाद में 1433 में महाराणा मोकल की हत्या कर देंगे चाचा और मेरा महाप्पा पंवार के सहयोग से, इसकी हत्या कर दी जाएगी। फिर उसके बाद में जो महाराणा कुंभा शासक बनेगा। तो इसके बाद में देखिए 1433 में जो है जो राणा लाखा की जो उपपत्नी, राणा लाखा की जो उपपत्नी थी उपपत्नी के पुत्र थे ये चाचा और मेरा, चाचा और मेरा था, इन्होंने महापा पंवार के सहयोग से, महाप्पा पंवार के सहयोग से मोकल की हत्या करा दी। मोकल की हत्या करवा दी गई।
ठीक है, तो यहां से मोकल खत्म, तो महाराणा मोकल की हत्या करा दी थी चाचा और मेरा के द्वारा, महापा पवार के सहयोग के द्वारा, महापा पवार के सहयोग लेकर के महाराणा मोकल की हत्या करवा दी, और ये हत्या करवाने वाले राणा लाखा की पत्नी के पुत्र थे चाचा और मेरा और महापा पवार, जो इसने सहयोग दिया और मोकल की हत्या कर दी 1433 में। इसके बाद में महाराणा कुंभा जो है शासक बनेगा। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा। तो इसका टाइम पीरियड है 1433 से लेकर के 1468 तक, 1433 से 1468। देखो इसका जन्म 1403 में हुआ था, 1403 में इसका जन्म हुआ था। इसका जो पिता था वो मोकल था, और इसकी जो माँ थी वो सौभाग्य देवी थी, सौभाग्य देवी, सौभाग्य देवी थी। और ये जो 30 साल में राजा बना, मतलब 1433 में 35 साल राज किया, मतलब 1468 में इसकी मृत्यु हो जाएगी उदा के द्वारा, उदयकरण के द्वारा। तो महाराणा कुंभा की देखिए, ये बहुत बड़ा प्रतापी शासक था, और इसने मतलब ये विद्वान भी था और युद्ध विजेता भी था और कला प्रेमी और विद्या अनुरागी भी था, मतलब इसमें चारों पांचों जो गुण विद्यमान थे। इसने इसकी उपाधियों के नाम एग्जाम में पूछते हैं, इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण करी थी, तो मैं बता देता हूं। जैसे महाराजाधीराज, महाराजाधीराज, इस तरह की उपाधि, ये याद रखना है, इसकी उपाधियां जिसने धारण करी वो उपाधियों के नाम आप याद कर लेना। एक दो बार पहले पूछा गया, जैसे अभिनव भट्टाचार्य संगीत के क्षेत्र के लिए, इस तरीके से। तो राव राय, राव राय, इसके अलावा राणे राय, राणे राय, इसके अलावा राय रायन, राय रायन, इसके अलावा राणो रासो, राणो रासो, इसके अलावा राजगुरु, राजगुरु, दान गुरु, दान गुरु, हाल गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, परम गुरु, छाप गुरु, छाप गुरु, इस तरीके से। अब मैं बाकी ऊपर लिख देता हूं, यहां पे मारना पूरा थोड़ा सा, कि ये नीचे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं। तो अब आएगा नरपति, अशुपति, गजपति। नरपति, अशुपति और गजपति, ये भी उपाधियां थी तीनों। इसके अलावा हिंदू सुरतान, सुरतान, ये भी महाराणा कुंभा की उपाधि थी। अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य और वीणा वादन प्रवीणेन, वीणा वादन प्रवीणेन, ये दोनों संगीत के क्षेत्र में, अभिनव भट्टाचार्य और वीणा वादन प्रवीणेन, ये क्वेश्चन भी पहले पूछ चुका है। ये दोनों जो है संगीत के क्षेत्र में महाराणा कुंभा के विपुल ज्ञान के कारण प्रदान की गई उपाधि थी। राणो, राणो रासो, जो ये राणो रासो उपाधि थी, ये साहित्यकारों का, ये राणो रासो यानी कि ये साहित्यकारों का आश्रयदाता था। साहित्यकार, बहुत सारे साहित्यकार इसके दरबार में रहते थे, जैसे मंडन वगैरह, गोविंद, और बहुत सारे जैसे कवि कान्हा व्यास, और काफी सारे इतिहासकार इसके दरबार में थे। अभी जब साहित्यकारों की बात आएगी तब हम इनकी द्वारा लिखे गए साहित्य, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो राणो रासो था साहित्यकारों का आश्रयदाता होने की वजह से इसे ये उपाधि दी गई। और राजगुरु, जो राजनीतिक सिद्धांतों में जो राजगुरु लिखा हुआ, राजनीति से संबंधित, राजनीतिक, राजनीतिक सिद्धांतों में जो ये पारंगत होने की वजह से, सिद्धांतों में दक्ष होने की वजह से उपाधि दी गई इसे राजगुरु की। इसके अलावा परम गुरु, परम गुरु का मतलब समय का सर्वोच्च स्वामी, समय का जो ये
बिल्कुल शासक था, इस समय का इसके समय का सर्वोच्च शासक था, इसके समय का इसके जैसा कोई शासक नहीं था, इस वजह से इसे परम गुरु की उपाधि इसने धारण करी, समय का सर्वोच्च शासक, यानी कि इसके समय का सर्वोच्च शासक, तो ये दी थी परम गुरु की उपाधि। ये राजनीतिक सिद्धांतों में पारंगतों ने, जैसे राजगुरु, दान गुरु, मतलब ये जो दान करने में, मतलब इसे मतलब कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राजा करण से भी बढ़कर के बताया गया है ऐसे। हाल गुरु मतलब एक गिरी दुर्गों का स्वामी होने की वजह से, जो पहाड़ी दुर्गों का या गिरी दुर्गों का स्वामी होने की वजह से इसे हाल गुरु की उपाधि दी गई, यानी ये इसने धारण करी। छाप गुरु यानी छापा मार में पर ये छाप गुरु मतलब यानी छापा मार, छाप जो मेवाड़ क्षेत्र में जो छापा मार युद्ध प्रणाली में ये पारंगत था, इस वजह से इसने जो है छाप गुरु की उपाधि धारण करी। और बाकी नरपति, अशुपति और गजपति यानी राजपूतानों के जो, यानी कि इसमें यह आता है कि विशाल सेनापति, ये विशाल सेना थी इसके पास में, आदमियों की, घोड़ों की और अश्वों की। और हिंदू सुल्तान एक और उपाधि पूछ सकता है, वो हिंदू सुल्तान, तो ये सब राजपूत सभी शासकों में, यानी ये हिंदू सुल्तान की जो उपाधि है तो राजपूताना के सभी शासकों में से सर्वोपरि होने की वजह से इसे हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण करी। राजपूताना के सभी शासकों में सर्वोपरि, सभी शासकों में सर्वोपरि, शासकों में सर्वोपरि, सर्वोपरि इस तरीके से आप याद कर लेना इनको। तो कुंभा के द्वारा धारण की गई उपाधियां थी वो सारी यहाँ लिखी हुई है, जिसमें से है कि महाराजा धीराज, राव राय, राणे राय, राय रायन, राणो रासो, राणो रासो साहित्यकार उपाश्रयदाता होने की वजह से इसने उपाधि धारण करी। राजगुरु राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष था, इस वजह से इसने ये उपाधि धारण करी। दान गुरु यानी दान करने में बहुत बड़ा दानी था ये, दान गुरु। हाल गुरु मतलब गिरी दुर्गों या पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने की वजह से। परम गुरु यानी समय का, इसके समय का सर्वोच्च शासक यही था, सबसे परम यही था, इस वजह से इसने परम गुरु की उपाधि धारण करी। छाप गुरु मतलब छापा मार युद्ध प्रणाली में पारंगत होने की वजह से इसने छापा छाप गुरु की उपाधि धारण करी। नरपति, अशुपति, गजपति यानी कि विशाल सेना का थी इसके पास में, इस वजह से इसने ये उपाधियां भी धारण की। इसके अलावा हिंदू सुल्तान मतलब यानी कि राजपूताना के सभी शासकों में से ये सर्वोच्च था, सबसे बड़ा था, सब चाहे पद में किसी में भी, इस वजह से इसने जो है हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण करी। इसके अलावा इसने अभिनव भट्टाचार्य और वीणा वादन परवीणेन की उपाधियां, जो संगीत के क्षेत्र में महाराणा कुंभा के विपुल ज्ञान के लिए ये उपाधियां धारण की। तो ये तो बात महाराणा कुंभा की यहां तक की आती है। अब इसे इसके बारे में और क्या जानकारी है, तो ये मैंने बता दिया। हम पढ़ रहे महाराणा कुंभा, तो देखिए इस महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखवाई थी, जो जैसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति दोनों की जो रचना 1460 में हुई थी और महाराणा कुंभा की प्रशंसा में लिखवाई गई है। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति प्रशस्ति ये जो प्रशस्ति या शिला लेख या अभिलेख, ये सारे के सारे इतिहास के स्रोत होते, तो जिसकी रचना मतलब 1460 ईस्वी में हुई थी और कवि अत्रि के द्वारा ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई थी और महाराणा कुंभा के द्वारा ये लिखवाई गई। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसने अपने आप को क्या कहा, तो धर्म और पवित्रता का अवतार कहा इसने अपने आप को, इसने स्वयं को धर्म और पवित्रता तरता का धर्म और पवित्रता का अवतार बताया अपने स्वयं को। इसने कुंभलगढ़ प्रशस्ति में यानी महाराणा कुंभा ने स्वयं को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में धर्म और पवित्रता का अवतार बताया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या विजय स्तंभ की रचना 1460 में पूर्ण हुई थी कवयित्री के द्वारा, बाद में उसे पूरा किया गया था कवि महेश के द्वारा। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा ने स्वयं को धर्म और पवित्रता का अवतार बताया। इसके अलावा इसने दानी राजा भोज व करण से भी बढ़कर बताया इसने। अब स्वयं को दानी राजा भोज और करण, भोज व करण से बढ़कर बताया स्वयं को, से बढ़कर बताया इसने। और गुप्त शासकों की तरह इसने परम भागवत की, गुप्त शासकों की तरह, जो गुप्त शासकों की तरह इसने स्वयं को परम भागवत भागवत की उपाधि धारण करी। गुप्त शासकों की तरह महाराणा कुंभा ने परम भागवत की उपाधि धारण करी। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसे एक ये आएगा
वसुंधरो वसुंधरोद धरणाधिव रोहण, सॉरी राहेण, राहेण वसुंधरोद वसुंधरो धरणादि धरणादि दिव रो रोहेण, वसुंधरो वसुंधरो धरणादि दिव रोहण रोहेण। ये भी कहा है कुंभलगढ़ प्रसिद्ध में, इसका मतलब यानी विष्णु के प्रथम अवतार वराह के समान, इसका मतलब होता है विष्णु के प्रथम अवतार वराह, वराह के समान वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित करने वाला, वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित करने वाला, स्थापित करने वाला, पुनर्स्थापित करने वाला, इस तरह से अपने आपको कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो महाराणा कुंभा ने स्वयं को धर्म और पवित्रता का अवतार बताया, दानी राजा कर्ण और भोज से भी बढ़कर के बताया, गुप्त शासकों की भांति इसने परम भागवत स्वयं को बताया। इसके अलावा इसने वसुंधरो धरणादि दिव रोहेण की उपाधि, सॉरी अपने को बताया कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, इसका मतलब होता है विष्णु के प्रथम अवतार के समान वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित करने वाला। तो यहां तक की बात हुई। अब इसके बाद आता है कुंभा के द्वारा लड़े गए युद्ध और संधियां। तो पहला युद्ध था सारंगपुर का युद्ध, युद्ध व संधि। तो पहला युद्ध था सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर, सारंगपुर का युद्ध। यह युद्ध 1437 में हुआ, 1437 में हुआ था। और ये जो सारंगपुर पड़ता है ये मालवा एमपी में पड़ता है ये, यानी कि ये जो मांडू, मांडू या मालवा, मालवा के सुल्तान महमूद खलजी, महमूद खलजी, यहां लिख देता हूँ पूरा, महमूद खलजी और वीएस कुमार महाराणा कुंभा के बीच में 1437 में सारंगपुर, ये सारंगपुर मालवा में पड़ता है, मालवा, मालवा में ये युद्ध हुआ 1437 में। और इस युद्ध में दोनों यानी महमूद खलजी भी स्वयं को विजेता बताता है और महाराणा कुंभा भी स्वयं को विजेता। देखिए जो कुंभा ने, तो कुंभा ने हमारे जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति की बात करते हैं, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति जिसकी रचना 1460 में हुई थी, और जो दूसरा इतिहासकार है डॉक्टर हरविलास शारदा, डॉक्टर हरविलास शारदा जो ये अजमेर के इतिहासकार थे, और इन्होंने एक किताब लिखी थी अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव ये थी। तो ओ डॉक्टर हरविलास शारदा और कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार एक कुंभा विजय हुआ, और विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा ने जो है विजय स्तंभ बनवाया या कीर्ति स्तंभ बनवाया, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ चित्तौड़ के अंदर विष्णु की स्मृति में, अपने आराध्य देव विष्णु की स्मृति में जो है चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनाया था, जो 1440 से लेकर के 1448 में उसका निर्माण हुआ था। आप आगे बताएंगे विजय स्तंभ के बारे में। और उधर जो है मांडू का जो सुल्तान था महमूद खलजी, उसने भी मांडू में 7 मंजिला एक विजय स्तंभ मीनार बनाई थी, विजय स्तंभ के टाइप की, खैर वो बात अलग है। लेकिन हम तो डॉक्टर जोहर विलास शारदा और कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो हमारे पास होते हैं, तो उनके अनुसार महाराणा कुंभा विजय हुआ। रसिक प्रिया के अनुसार भी जो है महाराणा कुंभा की रचना, उसमें भी जो है महाराणा कुंभा विजय हुआ। तो अब देखते हैं इसकी विजय स्मृति में जो है विजय स्तंभ बनाया। अब विजय स्तंभ जो है, ये विजय स्तंभ को हम कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं, कीर्ति स्तंभ बोलते हैं, या विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ एक ही बात है। इसका निर्माण अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि 1436 के सारंगपुर युद्ध विजय में, यानी विजय के उपलक्ष्य में अपने आराध्य देव विष्णु की स्मृति में, जो महाराणा कुंभा विष्णु की स्मृति में जो उसने जो है, और विजय विष्णु
विष्णु की स्मृति और विजय के उपलक्ष्य में, जो विजय के उपलक्ष्य में जो इसने क्या करा था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, और इसका निर्माण 1440 से लेकर के 1448 के बीच में हुआ। और इसका निर्माण करता जो जेता और उसके पुत्र, इसका जो सूत्रधार था जेता और उसके पुत्र नापा पोमा और ऊंजा के द्वारा किया गया। जेता नाप और उसके ये पुत्र थे जेता नापा पोमा और ऊंजा, ऊंजा के द्वारा जो है ये विजय स्तंभ का ये मतलब शिल्पकार था, मतलब बनाने वाला था या निर्माण करता था, और बनाने वाला था जो महाराणा कुंभा ने ऑर्डर दिया, और ये शिल्पकार थे विजय स्तंभ के। जो ये 9 मंजिला है और नौ मंजिला है और 122 फिट जो है ऊंचा है ये, और इसकी जो है हम 5वीं मंजिल तक अभी जा सकते हैं, और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। तो ये जो, और इसके बारे में क्वेश्चन आया था, डॉक्टर गौरी शंकर ओझा ने विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा है, मूर्ति कला का विश्व, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है पहले एनसाइक्लोपीडिया, क्योंकि यहां पर हर हर मूर्ति पर उसका नाम और उसका विवरण लिखा हुआ है। और विजय स्तंभ की जो यहां पर इसके पास ही एक कीर्ति स्तंभ, दूसरा एक कीर्ति स्तंभ भी है, कीर्ति स्तंभ है वो, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ ये जो है वो जो चित्तौड़ का अंदर कीर्ति स्तंभ है, तो कीर्ति स्तंभ 11वीं शताब्दी में जीजा नामक दिगंबर जैन संप्रदाय के अनुयायी ने बनाया था। ये जैन कीर्ति स्तंभ है, वहां पे एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है, तो वो जीजा नामक दिगंबर जैन अनुयायी के द्वारा बनवाया गया, और ये जो 11वीं शताब्दी में उसका निर्माण किया गया था। ये कंफ्यूज मत होना, ये जैन कीर्ति स्तंभ है और वो जो है महाराणा कुंभा वाला कीर्ति स्तंभ है, जिसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है। दूसरा जो युद्ध हुआ था, तो पहला युद्ध आपको समझ में आ गया होगा कि भाई पहला तो हुआ था सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर के युद्ध में जो है, जो डॉक्टर हरविलास शारदा और कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार हमें जो है कुंभा विजय हुआ, और बाद में महाराणा कुंभा ने जो है विजय के उपलक्ष्य में जो है चित्तौड़ में 9 मंजिला एक विजय स्तंभ बनवाया, जिसका निर्माण 1440 से 1448 तक के हुआ। उसका जो निर्माण करता था वो जैता और उसके पुत्र नापा पोमा और ऊंजा के द्वारा किया गया। और जो विजय स्तंभ को डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है, क्योंकि वहां पर प्रत्येक मूर्ति पर उसका नाम और विवरण लिखे हुए हैं। इसके बाद में दूसरा जो युद्ध आता है, संधि आती है, वो उसका नाम है चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि, और ये हुई थी 1456 में, वो युद्ध हुआ था 1431 में, ये हुआ था 1456 में चंपानेर की संधि। देखो ये जो संधि थी, गुजरात गुजरात के सुल्तान, गुजरात का एक सुल्तान था और एक था मांडू का सुल्तान, एक तो गुजरात का सुल्तान था और एक सॉरी मालवा या मांडू, जब मालवा या मांडू के मालवा का जो सुल्तान था, तो ये दोनों दोनों ने मिलकर के, गुजरात का तो था कुतुबुद्दीन था, और दूसरा उधर का था महमूद खलजी, जिसे अभी पहले सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा के द्वारा हराया गया था। तो यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी ऐबक नहीं, ये कुतुबुद्दीन है इसका नाम, वो दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये कुतुबुद्दीन है गुजरात का सुल्तान जो महाराणा कुंभा के समकालीन था। तो गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन और मालवा या मांडू के सुल्तान महमूद खलजी, दोनों के बीच में हुई संधि। क्यों हुई थी? ये चाहते थे कि कुंभा को हरा दिया जाए, महाराणा कुंभा को हराने के लिए ये संधि। चंपानेर स्थान पड़ता है गुजरात में, चंपानेर ये गुजरात में पड़ता है, और यहाँ पर बैठ करके इन दोनों ने, शासकों ने संधि की, कि
कि आधा पार्ट मेवाड़ का जो गुजरात में मिला लिया जाएगा और बाकी शेष पार्ट जो है मालवा में मिला जाएगा। मेवाड़ का दक्षिणी पार्ट गुजरात में मिला लिया जाएगा और शेष जो है मालवा में मिला लिया जाएगा। और दोनों ने यानी गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने और मांडू या मालवा के सुल्तान महमूद खलजी ने मिलकर चंपानेर स्थान पर कुंभा के विरुद्ध ये संधि की। तो बाद में जो है रसिक क्रिया कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अभी बताया था 1460 में जो पूर्ण थी, प्रशस्ति कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति व रसिक प्रिया नामक जो टीका है इसके अनुसार इस दोनों ने मतलब यानी कि गुजरात के सुल्तान ने भी आक्रमण किया उधर से मेवाड़ पर, और मालवा के सुल्तान महमूद खलजी भी जो है आक्रमण करता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन फाइनली इसमें महाराणा कुंभा विजय होता है, यानी इसमें कुंभा विजय हो जाता है और उन दोनों को वो हरा देता है। तो महाराणा कुंभा विजय हो जाता है ना, इनकी संधि की योजना जो है फेल हो जाती है। अब इसके बाद तो ये समझ में चंपानेर की संधि, तो इसने दो युद्ध लड़े थे, एक तो सारंगपुर का युद्ध जो 1437 में हुआ था, दूसरा चंपानेर की संधि जो 1456 में हुई थी। ठीक है, गुजरात के सुल्तान और मालवा के सुल्तान के बीच चंपानेर स्थान पर दोनों गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के द्वारा, मालवा के सुल्तान महमूद खलजी के द्वारा दोनों ने मिलकर जो है चंपानेर गुजरात स्थान पर महाराणा कुंभा को हराने के लिए महाराणा कुंभा के विरुद्ध ये संधि की थी कि भाई दक्षिणी से तू आक्रमण करना कुतुबुद्दीन और बाकी इधर से मैं आक्रमण करूंगा। तो ये जो कुतुबुद्दीन आबू पर आक्रमण करता हुआ आगे बढ़ा और उधर से जो है मालवा से वो आक्रमण करनी पड़ा, लेकिन जो है महाराणा कुंभा ने इन दोनों को हरा दिया और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और रसिक प्रिय टीका के अनुसार जो महाराणा कुंभा विजयी हुआ। तो यहाँ तक की बात ही, इसके बाद महाराणा कुंभा की हत्या कर दी जाती है। तो 1468 ईस्वी में एक दिन शाम को वहां जो चित्तौड़ किले में मामा देव के मंदिर के यहाँ पे मामा देव के मंदिर पर जो महाराणा कुंभा बैठे थे, और यहाँ पर जो महाराणा कुंभा का ज्येष्ठ पुत्र था उदा या उदयकरण, उदा के द्वारा इस महाराणा कुंभा की जो है हत्या कर दी गई और महाराणा कुंभा की जो है मृत्यु हो गई। तो महाराणा कुंभा के विषय में इतना था। अब आगे आता है, हम महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ेंगे कि इसने और क्या क्या काम करे महाराणा कुंभा के द्वारा। तो ये दो संधियां और उसकी उपाधियां के बारे में जाना। अब आता है महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां मतलब जो भी सांस्कृतिक उपलब्धियां, तो इसे राजस्थान की स्थापत्य कला का जन्मदाता कहा जाता है, राजस्थान की स्थापत्य कला का जन्मदाता कहा जाता है। जो राजस्थान आर्किटेक्चर का ये फादर ऑफ राजस्थान आर्किटेक्चर भी इसे कहा जाता है, या राजस्थान की स्थापत्य कला का जन्मदाता। और कन्नन टाड और कविराज श्यामल दास के अनुसार, कन्नन टाड ने किताब का नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटी जो राजस्थान लिखी थी, और कविराज श्यामल दास इसने एक किताब लिखी थी वीर विनोद, जिसमें राजस्थान का इतिहास है वीर विनोद। तो इनके अनुसार कन्नन टाड और कविराज श्यामल दास के अनुसार इसने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, 84 में से 32 दुर्ग बनवाए मेवाड़ में कुल टोटल 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए। ये बात हमें कर्नल टाड और कविराज श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद से हमें जानकारी मिलती है, जिनमें से कई सारे दुर्ग के जो नाम है ये पूछ रहे हैं। जैसे अभी एक एग्जाम में बासंतीगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है वो पूछा था, तो जैसे बसंतीगढ़ दुर्ग ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर मतलब सिरोही और राजस्थान की पश्चिमी सीमा में यानी सिरोही में है, ये पश्चिमी राजस्थान और सिरोही के बीच में बसंतीगढ़ का दुर्ग बनाया महाराणा कुंभा के द्वारा। इसके अलावा मचान दुर्ग, ये मचान दुर्ग रणथंबोर सवाई माधोपुर में पड़ता है, ये रणथंबोर के यहाँ पड़ता है। इसके अलावा सादड़ी का दुर्ग ये चित्तौड़ में पड़ता है, सादड़ी ये चित्तौड़ में पड़ता है सादड़ी का दुर्ग। इसके अलावा बेराट दुर्ग बदनोर भीलवाड़ा में पड़ता है, ये बदनोर भीलवाड़ा बेराड़ दुर्ग बदनोर भीलवाड़ा में पड़ता है। इसके अलावा इसने जो है अचलगढ़ जो ये पड़ता आबू माउंट आबू अचलगढ़ का दुर्ग का निर्माण इसने करवाया। इसके अलावा कुंभलगढ़ तो ये इसने खुद ने कराया, कुंभलगढ़
कुंभलगढ़, ये अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर इसने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था, कुंभलगढ़ जो राजसमंद जिले में वो। और इसके अलावा इसने जो है कुंभलगढ़ के अंदर एक और कटारगढ़ है, कुंभलगढ़ के अंदर भी एक गढ़ है, उसका नाम है कटारगढ़। देखो कुंभलगढ़ को बनाने वाला जो शिल्पी था वो था मंडन, मंडन था शिल्पी। और उस कुंभलगढ़ के अंदर भी जो है कटारगढ़ है, मतलब छोटा गढ़ के अंदर भी एक गढ़ है, उसे बोलते कटारगढ़, जो निवास स्थान था महाराणा का, बिल्कुल निवास स्थान था। और इस स्थान को जो अबुल फजल ने, इसके बारे में एक कोटेशन लिखा अबुल फजल ने, जिसने आईने अकबरी लिखा था, अबुल फजल ने कहा कि ये गढ़ इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर जो है सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो इस कटारगढ़ के लिए बोला है कि सिर की पगड़ी। आप मेरी वॉइस पे ज्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा। तो ये जो दुर्ग थे, तो महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ रहे थे हम लोग, तो हमने बताया कि इसे महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जन्मदाता कहा जाता है। दूसरा कि कर्नल टाड और कविराज श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद से जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा ने जो मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग बनवाए महाराणा कुंभा के द्वारा। जैसे कि बसंतीगढ़ का दुर्ग जो है पश्चिमी राजस्थान और सिरोही के बीच में, जो बसंतीगढ़ का दुर्ग बना है सिरोही जिले में स्थित है ये। मचान दुर्ग जो सवाई माधोपुर में रणथंभौर के पास स्थित है, सारड़ी चित्तौड़गढ़ के वहां पर ये स्थित है दुर्ग, बैराड़ दुर्ग बदनोद भीलवाड़ा में स्थित है, अचलगढ़ का माउंट आबू में स्थित ये दुर्ग है, और कुंभलगढ़ जो राजसमंद जिले में है। और कुंभलगढ़ के अंदर भी एक और कटारगढ़ है जो महाराणा का जो निजी निवास था। कुंभलगढ़ का जो शिल्पकार था वो मंडन था, जो महाराणा कुंभा का दरबारी शिल्पकार था। अबुल फजल ने कटारगढ़ के विषय में कहा, एक टिप्पणी लिखी और एक क्वेश्चन भी आ चुका कई बार, कि ये गढ़ या ये किला इतनी बुलंदियों पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। इस तरीके से ये महाराणा कुंभा के गढ़ों की बात है। इसके अलावा जो है इसने क्या काम करा, तो इसने जो है बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्वार भी करवाया। तो और देखते हैं और क्या काम हुआ। तो देखिए इसने चित्तौड़ में जो कुंभ श्याम मंदिर बनाया था इसने, चित्तौड़ में मंदिर, इसका चित्तौड़ में जो निर्माण करवाया कुंभ श्याम मंदिर का, ये निर्माण लिख दिया, चित्तौड़ में कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया, श्रृंगार चोरी का मंदिर का निर्माण करवाया, श्रृंगार चोरी का मंदिर ये भी चित्तौड़ में है, इसका निर्माण करवाया, निर्माण करवाया इसका। इसके अलावा इसने रणकपुर मंदिर और एकलिंग जी का मंदिर, रणकपुर मंदिर जो थे महाराणा कुंभा ने नहीं कराया, इसके समय बने थे, महाराणा कुंभा के समय धरणक नामक श्रेष्ठी के द्वारा बनाए गए थे 1439 में। और एक था एक मंदिर और एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया, एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया, यानी इसको दोबारा से बनवाया इसने जीर्णोद्वार। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण तो आपने देखा था बप्पा रावल ने करवाया था, और इसका जीर्णोद्वार करवाया था महाराणा कुंभा के द्वारा, ये जरूर आप याद रखना। तो कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण इसने महाराणा कुंभा ने करवाया, श्रृंगार चोरी का मंदिर जो चित्तौड़ में, इसका भी निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, रणकपुर के मंदिरों का निर्माण कुंभा के समय हुआ था 1439 में, और धरणक नामक श्रेष्ठी के द्वारा, ये धरणक ये क्वेश्चन भी शायद किसी एग्जाम में पूछ लिया है, धरणक नामक श्रेष्ठी, श्रेष्ठी जो है वो देते व्यापारियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, धरणक नामक श्रेष्ठी के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो यहाँ तक की बात हो गई। इसके अलावा इसने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का भी जीर्णोद्वार करवाया था, जो चित्तौड़ का जो दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग का जीर्णोद्वार करवाया था इसने, दोबारा इसका निर्माण टूट फूट हुई उसको उसने दोबारा रिपेयर करवाया था। या और यहाँ पर इसने एक विजय स्तंभ बनाया था, विजय स्तंभ जो अभी हमने पढ़ चुके हैं, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जो 1440 से लेकर के 1448 तक बना था, अभी जस्ट हमने बताया था। और इसने जो है कुंभलगढ़ है, ये क्वेश्चन भी कॉन्स्टेबल में आया एक बार, कि कुंभलगढ़ के चारों ओर एक बहुत बड़ा विशाल दीवार बनाई थी इसने, बहुत बड़ी विशाल दीवार, जो विशाल दीवार जो भारत के इतिहास में लिखित सबसे लंबी दीवार है, भारत की एक विशाल दीवार जो भारत के इतिहास की सबसे लंबी दीवार है, लंबी भारत की सबसे लंबी दीवार है, और इसकी लंबाई है 36 किलोमीटर है। कॉन्स्टेबल में भी कुछ क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है।
तो कुंभलगढ़ के चारों तरफ एक बहुत बड़ी विशाल दीवार का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। तो ये पूछा था कि भाई ये कितनी किलोमीटर लंबी, तो 36 किलोमीटर लंबी है। तो ये वाले दुर्ग निर्माण करवाया और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, तो ये तो सब इसके है निर्माण कार्य है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, महाराणा कुंभा ने और क्या क्या चीजें लिखवाई, तो आती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना। तो देखिए, कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना करवाई इसने। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना 1460 में हुई और कवि महेश ने की, कवि महेश के द्वारा जो इसकी रचना की गई। इसके अलावा जो विजय स्तंभ है, या इसे हम कीर्ति स्तंभ बोलते हैं, कीर्ति स्तंभ, वो जैन कीर्ति स्तंभ अलग और ये कीर्ति स्तंभ अलग। इसकी रचना भी 1460 में हुई थी और इसकी रचना भी कवि महेश के द्वारा की गई, महेश के द्वारा, लेकिन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बाद में पूरा किया था कवि। मतलब देखो, ये जो शुरू में तो कवि अत्रि थे और अत्रि के बाद में, अत्रि की मृत्यु होने के बाद में कवि महेश ने जो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किया था। जो विजय स्तंभ है वो महमूद खलजी को, जो मांडू के सुल्तान था, उसको पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने अपने आराध्य देव विष्णु को समर्पित एक 9 मंजिला जो है विजय स्तंभ बनाया, नौ, जो चित्तौड़गढ़ में, ये है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ किले की जो है जीर्णोद्धार भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो ये इसका निर्माण मैंने बताया 1440 से 1448 के बीच में हुआ, और इसका जो निर्माण करने वाला था वो जैता और उसके पुत्र नापा कोमा और पूंजा थे। ये नापा जैता और इसके पुत्र नापा पोमा और ऊंजा, ये थे इसके द्वारा। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया है कि जैता और उसके पुत्र नापा पोमा और ऊंजा के द्वारा जो है विजय स्तंभ का जो है ये जो शिल्पकार थे बनाने वाले थे, इनके द्वारा बनाया गया। और जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना मैंने बताया था कवि अत्रि के द्वारा करी गई, लेकिन इसे कंप्लीट किया था उसके पुत्र कवि महेश ने, कि कवि अत्रि की मृत्यु के बाद में। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना जो है 1460 में, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना भी 1460 में हुई। अब इसके नीचे हम आगे चलते हैं कि ये भी मैंने बता दिया कि भाई जो विजय स्तंभ है इसे गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ने जो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है, क्योंकि वहां पर इसकी जो है जो हर मूर्ति पर उसका नाम और विवरण लिखे हुए हैं। ये जो 9 मंजिला है, और 9 मंजिला के अलावा ये जो है 30 फीट चौड़ा है और 122 फीट ऊंचा है, ये ऊंचा है, ये भी अगर पूछ ले तो बता देना। और इसकी 9वीं मंजिल पर, 9वीं मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है 9वीं मंजिल पर किसी विजय स्तंभ की पे। इसके अलावा और क्या चीज बची, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति हो गया, विजय स्तंभ हो गया। अब आता है कुंभा के और क्या कार्य थे। तो इसने इसका विद्या अनुराग देखते हैं कि साहित्य और विद्या, साहित्य और विद्या कि इसके दरबार में कौन कौन से साहित्यकार रहते थे, कवि रहते थे, और ये किस तरह की इसकी रुचि थी वो सारी बताते थे। तो देखिए, ये इसमें वो सारे गुण थे, ये योद्धा और कला प्रेमी, संगीत प्रेमी और ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था, एक लिंग मातम्य, एक लिंग महातम्य, इसका जो प्रारंभिक भाग महाराणा कुंभा के द्वारा रचा गया था, वैसे इसका जो रचना की थी कवि कान्हे व्यास के द्वारा, कान्हे व्यास के द्वारा की थी। इससे पता चलता है कि महाराणा कुंभा जो है ये राजनीति और साहित्य में बहुत भयंकर पारंगत था, और महाराणा कुंभा को वेद स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, इन सभी का गहन ज्ञान था महाराणा कुंभा को। और इसने जो है संगीत के क्षेत्र में इसकी काफी बड़ी रुचि थी,
ये सब जानकारी हमें एकलिंग मात्र से मिल रहा है कि संगीत के क्षेत्र में उसने जो है बहुत सारी उपाधियां धारण करी, जैसे संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, और जो है सूड प्रबंध, सूड प्रबंध, ये उपाधियां जो संगीत के क्षेत्र में सॉरी, ये ग्रंथ लिखे इसने, संगीत के जो ग्रंथ, उपाधियां नहीं ग्रंथ है, ये माणा कुम्मा द्वारा संगीत के क्षेत्र में रचे हुए संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ये सारे जो ग्रंथ माणा कुम्मा के द्वारा लिखे गए हैं और संगीत पर आधारित है ये। इसके अलावा जिसने जो है और बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी, जैसे जैसे कि मैं उदाहरण बता दूं, यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर कोक सारा हो बोर्ड पे तो आप ध्यान से देख लेना, मैं बोल भी रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ। जैसे चंडी शतक की जो व्याख्या की थी इसने माणा कुम्मा ने, इसकी व्याख्या की। इसके अलावा सुधा प्रबंध ये ग्रंथ की रचना करी माणा कुम्मा ने, सुधा प्रबंध। इसके अलावा एक लिंग मातम्य का महात्म्य का प्रारंभिक भाग, इसका प्रारंभिक भाग जो पहला भाग था, फर्स्ट पार्ट, उसकी रचना भी महाराणा कुंभ के द्वारा की गई। और कौन से ग्रंथ है, गीत गोविंद की जो टीका लिखी, गीत गोविंद की जो रचना तो जयदेव ने की थी, गीत गोविंद की टीका का रचना जो महाराणा कुंभ के द्वारा की गई। इसके अलावा रसिक प्रिया टीका की रचना भी महाराणा कुंभ के द्वारा की गई, रसिक प्रिया ये टीका थी, इसका निर्माण महाराणा कुंभा सॉरी मतलब रचना महाराणा कुंभा के द्वारा की गई। इसके अलावा द्वार दीपिका, संगीत क्रम दीपिका सॉरी संगीत राज संगीत क्रम दीपिका ये ग्रंथ भी माणा कुंभा के द्वारा रचा गया। नवीन गोविंद वाद्य प्रबंध ये इस ग्रंथ की रचना भी जो है माणा कुंभा के द्वारा, नवीन गोविंद वाद्य प्रबंध की रचना माणा कुंभा के। संगीत सुधा जो ग्रंथ है इसकी रचना माणा कुंभा के द्वारा की गई। इसके अलावा हरि वार्तिका इन समस्त ग्रंथों की रचना जो माणा कुंभा के द्वारा की गई। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ कि माणा कुंभा ने जो अनेक ग्रंथों की रचना करी, जैसे संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, इसके अलावा चंडी शतक की व्याख्या, सुधा प्रबंध, एक लिंग महात्म्य का प्रारंभिक भाग का रचना माणा कुंभा ने, गीत गोविंद की टीका, रसिक प्रिय टीका, इसके अलावा संगीत क्रम दीपिका, नवीन गोविंद वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा और हरि वार्तिका नामक ग्रंथों की रचना जो है माणा कुंभा के द्वारा की गई। इसके अलावा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में बताया था हमें कि भाई ये जो वीणा बजाने में बहुत प्रवीण था, और जैसा कि हमने बताया था इसकी उपाधि भी थी वीणा वादन प्रवीण, ये भी हम देख लेंगे। इसके अलावा इसके दरबार में बहुत सारे साहित्यकार थे, तो उनके बारे में नजर डाल लेते हैं, कौन कौन से साहित्यकार थे इनके, जो नाम भी हमसे पूछ लेते हैं। तो देखो इसके साहित्यकार था, सबसे जो प्रमुख साहित्यकार था, यहाँ लिख देता हूँ मैं साहित्यकार, इसके दरबार में जो साहित्यकार था वो था मेन मंडन, जो मंडन ने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया और बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी थी, ये जो वास्तु आधारित थे, मतलब जिस तरीके से जैसे आप देखिए इसका जो प्रमुख जो ये शिल्पी था, जो भी निर्माण कार्य होता था वो प्रमुख शिल्पी महाराणा कुंभा का मंडन था, मंडन ये नाम। इसने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जैसे देव मूर्ति प्रकरण, देव मूर्ति प्रकरण ये ग्रंथ है, ये मंडन के द्वारा रचित है। इसके अलावा प्रसाद मंडन ये भी मंडन के द्वारा रचित है। प्रसाद मंडन ये देवालय को निर्माण से संबंधित, देवालय निर्माण किस तरह से होता है, ये मूर्तियों के विषय से संबंधित है। इसके अलावा राजवल्लभ मंडन ये सामान्य नागरिकों के आवास और नगर रचना, ये नगर रचना और आवास, सामान्य नागरिकों के आवास से संबंधित ग्रंथ राजवल्लभ मंडन। इसके अलावा रूप मंडन ये मूर्तिकला विषयक है,
मूर्ति कला विषय पर आधारित है ये ग्रंथ। इसके अलावा वास्तुमंडन, जो वास्तु आधारित, वास्तुमंडन, वास्तुशास्त्र मंडन, वास्तुशास्त्र मंडन, ये सब ग्रंथ मंडन करते हैं। वास्तु वास्तुशास्त्र मंडन में वास्तुकार मंडन ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा रूपावतार मंडन, रूपावतार मंडन, तो ये ग्रंथ सारे लिखे गए थे मंडन के द्वारा, जो महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी था। इसके बाद में देखिए, जो मंडन का पुत्र था एक गोविंद, इसका जो मंडन का पुत्र था गोविंद, इस गोविंद ये जो आयुर्वेद का ज्ञाता था और इसने एक आयुर्वेद पे किताब लिखी थी, उसका नाम था सार समुच्चय, सार समुच्चय, समुच्चय, सार समुच्चय, सार समुच्चय ग्रंथ लिखी थी या आयुर्वेद की थी, ठीक है। यहां तक की बात, देखो महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी का था शिल्पकार मंडन, उसने कई सारे वास्तु पर ग्रंथ लिखे, जैसे देव मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, देवालय निर्माण संबंधित था, राजवल्लभ मंडन, नगर रचना, सामान्य नागरिकों का आवास से संबंधित था, रूप रूप मंडन, मूर्ति कला विषय था, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र मंडन, वास्तुकार मंडन, रूपावतार मंडन, ये सब। और मंडन का पुत्र था गोविंद, गोविंद जो है आयुर्वेद के विषय में जानकारी था, उसने एक ग्रंथ लिखा था आयुर्वेद आधारित सार समुच्चय, जिसमें कई व्याधियों का निवारण और औषधियों का वर्णन किया गया है। तो ये भी याद रखना, सार समुच्चय जो आयुर्वेद की पुस्तक है। इसके बाद में आप देखिए कुंभा की, ये मिटा देता हूँ, कुंभा की एक लड़की थी रमाबाई, रमाबाई को हम जो है उसे कहा गया है कि प्रशस्ति में बागेश्वरी। रमाबाई महाराणा कुंभा की पुत्री थी, उसे संगीत प्रेम में रुचि होने की वजह से उसका नाम रखा गया वागीश्वरी। और कुंभा के समय का जो सबसे अच्छा कवि था वो कवि मेहा था। उसने तीर्थमाला नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें 120 तीर्थों का वर्णन किया गया है। कुंभा महाराणा कुंभा के गुरु का नाम मुनि हीरानंद जी, और महाराणा कुंभा ने मुनि हीरानंद को कविराज की उपाधि दी। कवि कान्हा व्यास ने एक लिंग महात्म्य की रचना की थी, जिसका प्रारंभिक भाग स्वयं महाराणा कुंभा ने रचित किया था। कुंभा के संगीत गुरु श्री सारंग व्यास थे, जिन्होंने कुंभा को संगीत की शिक्षा दी। कुंभा के दरबार में अनेक जैन मुनि थे, जैसे कि सोम सुंदर, मुनि सुंदर, टिल्ला भट्ट, जयचंद सूरी, सोमदेव, भुवन चंद सुंदर सूरी, माणिक्य, सुंदर गणी जैन आदि। तो दोस्तों ये थी कुंभा के बारे में जानकारी। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, और इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन दिख जाए। और इसी के साथ आपके भाई को इजाज़त दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और प्रणाम।